अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं गपशप टीवी। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं DHA फेज 12 की फातिमा जिना पार्क में। हर साल की तरह इस साल भी DHA ने जश्न बहारा को मनाने की कोशिश की है। कोशिश का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना SOPs में रह के सारा काम करना पड़ता है, लॉकडाउन भी है। तो DHA फेज 12 ने EME ने इस बार जो फेस्टिवल था उसको मनसूख कर दिया, यानी कि फैमिलीज़ वगैरह आती थी, बच्चे आते थे, यहाँ पे रौनक होती थी, जगह जगह पे स्टॉल लगे होते थे और पूरी पार्क को झूलों से सजा दिया जाता था और फूलों से सजा दिया जाता था। इस बार झूले और स्टॉल वगैरह तो नहीं है लेकिन फूलों से इस पार्क को पूरा सजाया हुआ है। तो आए, आपको मैं पार्क का विज़िट करवाता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह DHA फेज 12 ने इस बार लॉकडाउन में रहकर SOPs के तहत जश्न बहारा को सेलिब्रेट किया है। तो आए फ्रेंड्स, आपको मैं पार्क का विज़िट करवाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, पूरे राउंड अबाउट को किस तरह फूलों से सजाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये सारा पेबल पाथ है, इसको भी ये देखें कितनी खूबसूरती से फूलों से सजाया हुआ है। ये खजूर का दरख्त है। फ्रेंड्स, आपको इस तरफ भी लेके चलता हूँ, इधर भी जो सारा पाथ है उसको फूलों से इन्होंने सजाया। जी तो फ्रेंड्स, पार्क में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बनाया गया बच्चों के लिए, ताकि बच्चे आएँ तो यहाँ पे आके मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे देख के खुश हों। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस पिंजरे में, इस केज में मुख्तलिफ़ परिंदे हैं, कुछ कबूतर भी हैं और भी हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, अंदर वैसे जाने तो नहीं देंगे, ताला लगा हुआ है, लॉक लगा है, तो मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूँ कि कौन कौन से परिंदे हैं अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने परिंदे देखे, बर्ड्स देख लिए हैं। अब इस पार्क में कुछ आर्टिफिशियल एनिमल्स भी हैं, वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखे कुछ है, ये देखे, प्लास्टिक के बने हुए हैं, असली नहीं ना रख सकते, उन्हें डा भी फ्री नहीं होना, बच्चे आते हैं इस पार्क में ना। ये देखिए कैसे इसने पोज बनाया हुआ है, इसे भी मेरे साथ वीडियो बनाने का बहुत शौक है, ये भी लगता मेरा फैन है ना, लग रहा है ना। फ्रेंड्स, आपने पार्क का विज़िट किया जहाँ पे फ्लावर वगैरह थे। मेरे पीछे ये जो सारा खाली एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये पार्क का वो एरिया जहाँ पे एक बकायदा प्रॉपर तकरीब हुआ करती थी, फैमिलीज आती थी, यहाँ पे फंक्शन होता था, स्टॉल्स वगैरह लगते थे और लोगों को आगाह किया जाता था, बताया जाता था कि वो भी प्लांटेशन करें क्योंकि दरख्त हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारा सुनसान है, खाली है, आप लोग भी जानते हैं कोरोना की वजह से है, सारा कुछ कोरोना की वजह से है, मुल्क की इकोनमी, तफरीही मुकामात सारे सुनसान पड़े हैं, लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से सारा काम ख़राब है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज़ जल्द ये कोरोना ख़त्म हो, ताकि तफरीही मुकामात खुलें, लोग इंजॉय कर सकें, बच्चे इंजॉय कर सकें और हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर हों। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक अपने दोस्त मोहम्मद फैसल को इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसे आगे शेयर भी करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। अगली वीडियो तक अपने दोस्त मोहम्मद फैसल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।